सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो नमस्ते दोस्तों, आज सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर स्कूल्स वगैरह रीओपन हो गए, तो हरियाणा के जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो स्कूल के अंदर गए थे स्कूल्स के हालात देखने के लिए, कैसे रूल्स वगैरह फॉलो हो रहे हैं इसके ऊपर हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर गए थे स्कूल्स में। तो जब स्कूल्स में गए तो काफ़ी सारे बच्चों ने अपील करी कि हमारे स्कूल्स में रूल्स बहुत अच्छी तरीके से फॉलो हो रहे हैं और हमारे स्कूल लॉन्ग टाइम तक खुले रहे, हम यही चाहते हैं क्योंकि अब हमारे घर पे बैठने का मन नहीं करता। बच्चों ने ये अपील करी एजुकेशन मिनिस्टर से और कई सारे बच्चों का ये भी कहना था कि हमारा बहुत पढ़ाई में मन लग रहा है स्कूल में। तो बच्चों के ऑफलाइन क्लासेस को लेकर काफ़ी खुशी दिखी थी उस वीडियो में। बट जब मैंने कमेंट सेक्शन खोला उस वीडियो का तो आप सभी मानोगे नहीं, मैक्सिमम बच्चे डिमांड कर रहे थे एग्ज़ाम ऑनलाइन की। बच्चों का कहना था कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने चाहिए। तो हो सकता है गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय उनका जो एजुकेशन मिनिस्टर का यूट्यूब चैनल मैनेज कर रहे हैं अगर उन्होंने वो कमेंट रीड करे होगे तो एक तरीके से आपकी जो बात है एग्ज़ाम ऑनलाइन की हरियाणा के अंदर वो वहाँ तक पहुँच गई होगी। वैसे तो अभी तक कोई स्टेटमेंट आया नहीं है हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, बाकी उम्मीद है बहुत जल्दी कोई स्टेटमेंट आ सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ये वीडियो रिलीज़ हुई थी तो मैंने सोचा कि आप सभी को वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूँ। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी जरूर शेयर करना अपनी फैमिली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सिंगर पर सेफ रहो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।